फ्रेंड्स, ये मिर्ची ऐसे रखी हुई थी मेरे पास। मैंने सोचा इसका अचार डाल लेती हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। और देखना, ये नींबू ही है। अब मैं इसका अचार कैसे बनाते हैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको मिर्चे काट लेनी है, चाहे आप ऐसे काटें चाहे ऐसे काटें। यूं करके ऐसे करके ये मैंने अच्छी तरह धोकर सुखा ली थी। बस ऐसे बिल्कुल यूं नहीं काटनी होती है, ये ऐसे काटनी। देखना, इसमें एक भी बीज नहीं है, बिना बीज का नींबू। फ्रेंड्स देखिए, इसमें किसी में भी बीज नहीं है, एक बीज निकला है इस वाले में, और वो भी ये वाला, ये वाला। बाकी कोई भी इसमें बीज नहीं निकला। और मैं अब इसको काट लेती हूँ। ये मैंने छोटे छोटे पीस काटे हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, ज़्यादा बड़े नहीं। ये देखिए ऐसे, ज़्यादा बड़े नहीं। और ये इस बर्तन में रख दिए हैं मिर्चे काट कर। ये इसमें सभी अचार के मसाले रखे हुए हैं, और अब मैं इसको यहाँ डाल लेती हूँ। ये मैंने साबुत धनिया ले लिया है। ये कलौंजी, मेथी, सौंफ, अजवाइन, धनिया और ये पीले सरसों, ये ब्राउन सरसों, ये सब ले लिए हैं मैंने। अब इसको मैं इसको कम आंच पे आप भुने। बस अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और ये चटकने लग गया है। जीरे को मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, तो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ गई इसकी भी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गर्म है ये, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये मसाले ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल, अब इनको पीस लेती हूँ मैं। आप सबसे पहले कढ़ाई रख दे गैस पे गर्म होने के लिए, और उसमें आप
तेल डाल दें। अब तेल गर्म हो गया है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब तेल ठंडा हो चुका है और अब इसमें हम मसाले डालते हैं। ये डाल दूंगी मैं हींग मसाले में। और 1 चम्मच नमक का, ये 2, मतलब 3 चम्मच नमक के मैंने डाल दिए हैं। और सबसे बाद में डालूंगी मैं मिर्च। अब डाल देंगे हम इसमें मिर्चे और ये नींबू। अब डाल देंगे हम इसमें, सबसे लास्ट में डालेंगे हम इसमें देगी मिर्च। मैंने थोड़ा सा तेल दोबारा से गरम किया और अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, जिससे ये हल्दी कच्ची भी नहीं रहेगी। बस अब इसको हम ऐसे ही ठंडा होने देते हैं। और फिर डाल देंगे हम और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सिरका, जिससे ये अचार खराब नहीं होएगा। अब इसमें थोड़ी सी डाल दूंगी मैं ब्राउन वाली सरसों, ये राई डाल दी मैंने, और ये डाल दूंगी मैं कलौंजी, राई कलौंजी सौंफ, और ये मार्केट वाला इसमें मेथी सौंफ भी है। और अब मैं इसको डाल देती हूँ इसमें। अंधेरा अंधेरा ऐसा आ रहा है कुछ पता नहीं क्यों। अब हमारा अचार रेडी हो चुका है और ये इसको 4-5 दिन से आप खाना शुरू कर सकते हैं। हल्की हल्की धूप खिड़की से, जैसे शीशे से आती है ना धूप, उसमें भी रख के
बिल्कुल तेज धूप में ना लगाए।